हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? तो आज हम करेंगे केराटिन। तो पार्ट वन में आपने देखा होगा मैंने इन बालों पे वर्जन हेयर थे स्मूथनिंग की थी। तो आज तीसरा दिन है, तो ये शैम्पू करवाने के लिए आए हैं। तो आज मैं इन बालों पे केराटिन करूँगा। स्मूथनिंग हमने कर दी थी ऑलरेडी, स्मूथनिंग का रिज़ल्ट अच्छा भी आया था, आपने पार्ट वन में देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो पार्ट वन इस वीडियो का देख लें जो, और उसमें स्मूथनिंग की डिटेल्स काफ़ी बताई गई है, तो आप चेक करें मेरा पार्ट वन जाके मेरे चैनल पे। तो और वो स्मूथनिंग कैसे करते हैं, फ्रेशर्स को वो हेल्प मिलेगी देखने में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम केराटिन स्टार्ट करते हैं। वॉश जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ अच्छे से करना है, अपने झाग बना के करना है, और शैम्पू मास्क और कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। तो वॉश हमारा हो गया, ड्राई हमने कर दिया है। ड्राई करने के 100% ड्राई करने के बाद हम केराटिन अप्लाई करेंगे। तो केराटिन सेक्शन वाइज अप्लाई करनी है, ठीक है। केराटिन हमने निकाल ली है और स्ट्रोक के साथ लगानी है, बिल्कुल जैसे मैं लगा रहा हूँ स्ट्रोक के साथ अच्छे से। और ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी मत लगाओ केराटिन, बिल्कुल कम क्वांटिटी में लगाओ क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाओ। तो स्ट्रोक के साथ लगाओ, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ लगाओ, और मल्सिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से करो। पहले हाथ से मल्सिफिकेशन करो, उसके बाद कॉम से आप करो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। दोस्तों वैसे केराटिन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, मोस्ट ऑफ हम स्मूथनिंग के बाद करते हैं और ब्लॉन्ड बालों पे भी करते हैं। स्मूथनिंग के बाद क्यों करते हैं, क्योंकि स्मूथनिंग से क्या होता है, टेक्सचर तो स्ट्रेट होता है नो डाउट, पर हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है, हल्की सी नहीं कई बार ज़्यादा भी आ जाती है ना, उलझने लगते हैं, स्ट्रेट तो रहते हैं पर उलझने लगते हैं और ड्राइनेस काफ़ी रहती है। तो केराटिन क्या करती है, स्मूथनिंग तो हुई हुई है, टेक्सचर स्ट्रेट हुआ हुआ है, और केराटिन मॉइस्चर का काम करती है, शाइन आ जाता है और मॉइस्चर आ जाता है, इसीलिए केराटिन कर लेनी चाहिए अगर स्मूथनिंग वाले बाल हैं। जब ब्लॉन्ड बाल हैं तो केराटिन उस पर करोगे तो मॉइस्चर आएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो केराटिन क्रीम भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, अभी हम ट्रांसपेरेंट पेपर लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट पेपर हीट प्रोड्यूस करता है और उससे रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और जल्दी आता है। 30 से 35 मिनट रखेंगे, 30 से 35 मिनट के बाद हम ट्रांसपेरेंट पेपर को हटा देंगे। उतारने के बाद हम ड्रायर करेंगे फुल हीट पे और क्रीम को सुखाएंगे बालों में। वॉश नहीं करना, सीधा क्रीम लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट पेपर हमने उतार दिया है, उतारते ही हमने साथ के साथ हेयर को ड्राई करना है, फुल हीट पे 100% ड्राई करना है। पहले ड्रायर अच्छे से करना है, जब आपको लगे कि मॉइस्चर निकल गया है उसके बाद हम स्ट्रेट ड्रायर करेंगे। स्ट्रेट ड्रायर तब तक नहीं करनी जब तक आपको लगे ना कि मॉइस्चर सारा निकल गया है, क्रीम निकल गई है, उसके बाद हमने स्ट्रेट ड्रायर करनी है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो स्ट्रेट ड्रायर अच्छे से होती नहीं है, इसीलिए अच्छे से आप सुखा लो उसके बाद स्ट्रेट ड्रायर करो, ठीक है। तो हेयर सूख गए हैं अच्छे से, अब हम स्ट्रेट ड्रायर करेंगे। सेक्शन वाइज स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करनी है, नीट एंड क्लीन सेक्शन लेके और फुल टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप।
तो ब्लो ड्रायर भी हमारी डन होने वाली है दोस्तों। जितनी अच्छी आप ब्लो ड्रायर करोगे उतनी अच्छी प्रेसिंग होगी, और जितनी अच्छी प्रेसिंग करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, ब्लो ड्रायर अच्छी होनी चाहिए और प्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लो ड्रायर हमारी होने वाली है, इसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग की वीडियो मैं शुरू से बना नहीं पाया क्योंकि क्लाइंट से और कैमरामैन हमारा फ्री नहीं था, इसीलिए मैंने बीच में से स्टार्ट कर दी। तो प्रेसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ब्रीक सेक्शन लेके नीट एंड क्लीन आपने प्रेसिंग करनी है और बिल्कुल अच्छे से करनी है। सेम ब्लो ड्रायर भी बिल्कुल अच्छे से करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं करोगे तो रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। प्रेसिंग और ब्लो ड्रायर हम मेन काम है जो क्रीम को ऑब्जॉर्व करती है अंदर। जितनी आप अच्छे से करोगे प्रेसिंग या ब्लो ड्रायर, उतना ही आपका कैराटीन जो क्रीम है वो हेयर के अंदर पेंट्रेट होएगी। ठीक है, पेंट्रेट होएगी तो मॉइस्चर आएगा, अगर नहीं पेंट्रेट होएगी तो मॉइस्चर अच्छा नहीं आएगा। तो इन ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप हमेशा जब भी करो ध्यान में रखो। तो ध्यान से देखते रहो आप। तो प्रेसिंग भी हमारी ऑलमोस्ट सारी डन हो गई है। इसके बाद हम दो दिन के बाद हम वॉश करेंगे। सल्फेट फ्री से वॉश करना है हमेशा, क्लाइंट को भी सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर ही रेकमेंड करना है। और कैराटीन हमारी अच्छी हो गई और ऑलमोस्ट डन भी हो गई, क्लाइंट भी हैप्पी था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करो। और कोई भी क्वेरी है मुझे ज़रूर आप हमेशा बताया करो। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।